इंदौर से बड़ी खबर है, नगर निगम में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन है। बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। नगर निगम के गेट पर कार्यकर्ता के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते जा रहे हैं और इस बीच प्रदर्शन शुरू होने वाला है, जहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। निगम में हुए घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा और इस बीच प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, निगम में जो घोटाले हुए उसको लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या तस्वीरें हैं अभी? देखिए बिल्कुल, मैं नगर निगम के गेट पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मंच है नगर निगम के बाहर, यहाँ पर कांग्रेसियों ने लगाया है और इसको नाम दिया विशाल जंगी प्रदर्शन। दरअसल ये प्रदर्शन इंदौर महापौर के 2 साल पूरे होने के जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर है और यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है कि ये जो 2 साल रहे हैं वो पूरे उस 2 साल में घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, और इसको लेकर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप पोस्टर देखेंगे तो जीतू पटवारी और अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, सभी के यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी नेता जो यहाँ पहुँचेंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जो है वो चिंटू चौकसे मेरे साथ में मौजूद है। जी चिंटू भैया, एक बड़ा प्रदर्शन आज यहाँ पर करने जा रहे हैं, कितनी संख्या में कांग्रेसी आज यहाँ पर एकत्रित हुए? देखिए जी, संख्या तो कोई विषय ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पे आयोजन है, इंदौर का ऐतिहासिक आंदोलन अभी तक का होगा ये, क्योंकि शहर की जनता जेन्यूनली परेशान है। वो चाहे वो जलकर का मुद्दा हो, चाहे वो संपत्ति कर का मुद्दा हो, चाहे वो नित आए दिन नए नवाचार के मामले में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे 2-2 साल से अधूरी पड़ी सड़कों का मामला हो, चाहे गंदे पानी का मामला हो, और बात करें हम छात्रों की तो नीट नर्सिंग घोटाले का मामला हो, चाहे किसानों को MSP का मामला हो, इन सब चीज़ों को लेकर जनता में मात्र 6 महीने में एक बड़ा आक्रोश है इंदौर शहर और आसपास पूरे जिले में, मध्य प्रदेश में। उसका नज़ारा आप लोगों को आज देखने को मिलेगा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन ना होकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इंदौर जिले में साबित होगा। महापौर के कार्यकाल को भी 2 साल पूरे हो गए, फिर बोला मैंने कि नए नए नवाचार करने के लिए महापौर जी को इंदौर शहर पहचानेगा, इंदौर को बदहाल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, भ्रष्टाचार युक्त करने के लिए, गड्ढा युक्त करने के लिए इंदौर शहर को लंबे समय तक पहचाना जाएगा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के कार्यकाल में इंदौर शहर ने भ्रष्टाचार, इंदौर नगर निगम ने भ्रष्टाचार की नई नई इबारतें, नए नए नवाचार करे। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एक बड़ा जंगी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करने की तैयारी है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो नगर निगम का गेट है, इसी गेट तक कांग्रेस जो है प्रदर्शन करते हैं पहुँचेंगे यहाँ पर पार्टी के नेता, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी प्रकार से उग्र ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बड़ी संख्या पुलिस बल जो है वो नगर निगम के गेट के बाहर तैनात किया गया है। जी ठीक है हेमंत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।